नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं एक्सएन न्यूज़ स्टेशन। तो देखिए, बड़ी खबर यहां से पल्लवी पटेल के हवाले से आ रही है। जी हां, यहां पे पल्लवी पटेल जो हैं, जिनका जो अपना दल के नेता है, अध्यक्ष है उनकी, तो यहां पे देखिए कि उन्होंने अखिलेश यादव के बचाव में आ गई है। जी हां, अगर बात करें कि बचाव में कब आई थी, तो यहां पे वो परसों भी उनके बचाव में आई थी और कल शाम को भी उनके बचाव में आ रही है। लगातार आप देखिए कि जब से वो बीमारी की हालत से उठी है, जब से वो ठीक हुई है, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे पल्लवी पटेल काफी बीमार चल रही थी, तो जब से वो ठीक हुई तब से ही देखिए कि अखिलेश यादव के बचाव में आ रही है। अब उन्होंने ताजा ताजा ओपी राजभर पे हमलावर बोली है। ओपी राजभर चाचा शिवपाल में भी, अगर ओपी राजभर की बात करें तो देखिए, अखिलेश यादव, ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को एसी में बैठकर राजनीति करने का ताना मारा था। उसके एवज में उस पर हमलावर होते हुए पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव का बचाव किया। उन्होंने बोला कि देखिए, मैंने कभी अखिलेश यादव को एसी में बैठकर राजनीति करते हुए नहीं देखा है। उन्होंने जो भी राजनीति करी है वो संघर्षपूर्ण राजनीति है। जब से मैंने होश संभाला है, पल्लवी पटेल ने जब से होश संभाला है, जब से देखे कि अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं और हर मेहनत के पीछे देखिए कि वो अपने साथ जो साथी हैं उनको लेकर चलते हैं। तो लगातार अब देखिए कि ओपी राजभर काफी हमलावर हो रहे थे, अखिलेश यादव भी हमलावर हो रहे थे, तो इस हमलावर होने की रेस में जो तंज कसते जा रहे थे उसमें पल्लवी पटेल का देखिए आगमन हो गया है। और पल्लवी पटेल ने देखिए यहां तक बोल दिया था कि 2024 में अखिलेश का साथ हम नहीं छोड़ेंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव जो होंगे उसमें हम अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ेंगे। यहीं पर देखिए कि ओपी राजभर भी लगातार हमलावर हो रहे थे, उनपे अखिलेश यादव पर टिकट बेचने का देखिए आरोप लगा रहे थे ओपी राजभर के बेटे। तो यहाँ पे लगातार पल्लवी पटेल भी उनके बचाव में आ रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि यहाँ पे ओपी राजभर का इस पे क्या बयान आता है, पल्लवी पटेल पर क्या बयान आता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अखिलेश यादव ने जो ओपी राजभर और चाचा शिवपाल को जो बाहर किया पार्टी से, क्या वो ठीक डिसीजन था? क्या पत्र लिखकर किसी ऐसे नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जो गठबंधन उन्होंने तोड़ा ओपी राजभर के साथ, क्या वो ठीक था या गलत था? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।